चैनल। तो लास्ट होप सब आप लोग ठीक होंगे। तो हमने मतलब लास्ट वीडियो की थी, जो लास्ट हमारा चैप्टर खत्म किया था, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हमने फिनिश किए। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डाउट्स, तो इट्स मीन आप लोगों ने वीडियो देखी हुई, आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। बट अगर कोई भी देखेगा वीडियो इसको क्लियर नहीं होंगे, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं, एक जैसे कंट्रोल सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लो, प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कह लो इसका रोल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसका यूज करना है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या है, जो सी प्रोग्राम में अगर हमें सी अगर सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसमें हमें सीक्वेंस में रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिजल्ट लेने के लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। सीक्वेंस में जैसे लिखेंगे वैसे ही हमारी हमें जो है स्टेटमेंट्स, हमारा रिजल्ट, हमें डिट्टो का डिट्टो वैसा ही चाहिए। तो जो स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अभी जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट्स और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, जो स्टेटमेंट्स का कंट्रोल, जो हमारी कंडीशंस का कंट्रोल उसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी स्टेटमेंट्स कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल, जो इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो ये दो तरह तीन तरह की हैं, ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग। मेनली आज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे, यही वाली कवर करेंगे। दूसरे हमारे हैं लूपिंग और आइटरेटिव। लूपिंग और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, थर्ड वन इज जंपिंग स्टेटमेंट। क्लियर? तो आज हम लोगों ने मेनली इसके ऊपर फोकस करना है, ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर। ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हम कोई डिसीजन लेने के लिए हम ब्रांच स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो अब मेनली हम इस पे फोकस करते हैं। जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट A set of instructions are called as binary branching statement, ठीक है। अब जो branching है वो decision making process में बहुत ज़्यादा help करती है। Result पे depend करता है कि जो condition जो हमने लगाई है उसका जो condition satisfy हुई है कि नहीं। अगर condition satisfy होगी तो क्या result आएगा, condition satisfy नहीं हुई तो क्या result आएगा। तो ये सारा हमारा होता है, इसलिए हम कहते हैं decision making statements भी होती हैं। अब C language में चार ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इज इफ एल्स, थर्ड वन इज इसको हम लोग एल्स इफ भी कह सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं या नेस्टेड इफ कहते हैं। So by turn we will have description of all these statements. तो सबसे पहले आती है if statement. अभी अगर हम लोग कॉमन जनरल इंग्लिश में देखें, जनरल इंग्लिश में इफ का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो, है ना। तो इसमें हम लोग इसका कैसे देख सकते हैं,
इसका पहले देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है इस स्टेटमेंट का। हमने इफ लगाई, कंडीशन लगाई, ठीक है, इफ लगाई, कंडीशन लगाई, उसके बाद हमने ब्लॉक बना के स्टेटमेंट्स लगाए। ठीक है, कंडीशन लगा, इफ की कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद हमने कब लॉक कर दिया, बंद। अब ये इसका चलती कैसे है ये देख लीजिए। ठीक है, अब हमने स्पेस चाहिए, ठीक है, ये आपका हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं आपका फ्लो चार्ट। हमने इफ में कोई कंडीशन डाली, स्टेटमेंट्स लगाई, ब्लॉक बंद कर दिया। अब जो इफ है वो कैसे काम करती है, अब से भी कंडीशन लगाई, ये स्टेटमेंट्स हैं और एक ये स्टेटमेंट है, इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट आ गई सपोज कर लो, अगर तो कंडीशन जो यहाँ पे हमने दी है वो सेटिस्फाई करती है तो ये वाला जितना ब्लॉक है वो चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, फॉल्स आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा और सीधा ये लास्ट जो इसके बाद स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम वैसे ये कंडीशन हुई, कंडीशन चेक हुई, अगर तो कंडीशन ट्रू आ गई फिर तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो ये स्टेटमेंट चलेगी। ये इसका फ्लो मतलब फ्लो चार्ट है, इस तरह से वर्क करती है हमारी इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अगर फॉल्स नहीं, फॉल्स है तो सीधा ये ब्लॉक को स्किप कर देगा कोई स्टेटमेंट। अगर आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद होगी तो आउटपुट आ जाएगी, अगर आपकी स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट है तो आपकी जीरो आउटपुट आएगी। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं इफ स्टेटमेंट की। हमने जैसे करा, इफ कंडीशन डाल दी एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, अगर तो एज ग्रेटर देन 18 है तो हमने वो स्टेटमेंट प्रिंट एफ करवा दो, एलिजिबल करवा लेते हैं, एलिजिबल फॉर लाइसेंस। ठीक है, इतना सा हमने ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाया। अब यहाँ पे हमारे स्कैन एफ भी करवाएंगे तभी एज प्रिंट करवाएंगे ना, स्कैन एफ के साथ हमने प्रिंट करवा ली है वैल्यू। अब ये पूरा होएगा स्कैन एफ में, जो इंटीजर वैल्यू देंगे वो परसेंटेज जी लगेगा सब लगेगा। सपोज कर लो आपने वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 14, क्या 14 ग्रेटर देन 18 है, नहीं है, तो आपका ये ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं आएगी, करेक्टली वो एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगा स्किप होके। यही आप डाल देते हो 20 ग्रेटर देन 18 तो आपकी आउटपुट आ जाएगी एलिजिबल फॉर लाइसेंस। तो इफ ऐसे काम करती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो इफ ने सारे के सारा जो ब्लॉक है वो कर देना है जी स्किप। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अब आती है इफ एल्स स्टेटमेंट।
इसमें ये है, ये थोड़ी एक्सटेंशन है इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन कैसे है, उसमें अगर कंडीशन ट्रू होती थी तभी हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन अगर इसमें फॉल्स होएगी तब भी हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। वो कैसे, इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स लगाई, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू एल्स स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट फोर, ये हमारा एल्स का सेंटेंस। इफ एल्स कैसे काम करेगी, कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन तो होगी ट्रू फिर तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, अगर कंडीशन बाय चांस लगती है फॉल्स तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, मतलब हमें दोनों केस में आउटपुट मिलनी ही मिलनी है। ये इफ की थोड़ी एक्सटेंशन है, इसलिए इसका है इफ एल्स। इफ मतलब अगर ये नहीं है तो ये, या तो इफ मिल जाए या एल्स मिल जाए, बट हमें आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगी। तो बुक क्या कहती है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। इफ ऐसे ही करती है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी नहीं करती। लेकिन सी लैंग्वेज में इफ एल्स आती है, जिसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ग्रुप एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें दोनों केसेस में आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तब इसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसा है, इसमें हमने एक कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट सेकेंड, ठीक है, कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चल पड़ा, फॉल्स है तो ये चल पड़ा, लास्ट में हमें आएगी आउटपुट। तो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफ एल्स होगी। नेक्स्ट हमारी है जो इसका प्रोग्राम कैसे ले सकते हैं, आप इसका ऑड इवन चेक कर सकते हैं, ग्रेटर नंबर बिगर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ऑड इवन से चेक कर सकते हैं। हमने पहले करवाया था, जब हम इसकी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इफ एल्स के, तो हम उस टाइम पे देखेंगे कैसे इफ चलती है कैसे इफ एल्स चलती है। तो आप देख लीजिए, आपने दो नंबर एंटर करवाए, आपको चेक करना बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो आपने कंडीशन क्या लगा दी उसमें, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए। मान लीजिए ए को वैल्यू दे दी 10, बी को 20 दे दी, तो 10 ग्रेटर देन 20 नो, इट्स मीन कि जो हमारी नीचे एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ वाला ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी थी इफ एल्स इफ, और वी कैन से नेस्टेड इफ, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है, हम इफ के ब्लॉक के अंदर अंदर या फिर एल्स के ब्लॉक के अंदर जो है हम लोग लगा दें पूरा का पूरा इफ एल्स दोबारा लगा दें। ठीक है, हमने इफ लगाई उसके अंदर पूरी एक इफ एल्स लगा दी, या फिर एल्स के अंदर पूरी की पूरी एक इफ एल्स लगा दी, तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टिंग। इफ के अंदर भी एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी आ गई, जितनी मर्जी लगाते जाओ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, प्रोग्राम्स इनके हम सब थोड़े बाद में करेंगे, पहले हम इनकी जो इनके सिंटैक्स है, इनकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी आती है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कैसे होगी, ठीक है, पूरा का पूरा इफ एल्स जो है हम एक इफ के अंदर या किसी एल्स के अंदर लिख देंगे। जैसे हमने कैसे लिखी नेस्टेड इफ की, इफ कंडीशन वन, ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमने लगा दी इफ कंडीशन टू, इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट्स
अब ये वाली इफ चल रही है तो इसका आ गया एल्स। स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ये वाला ब्लॉक हो गया बंद। ठीक है, अब हमने इसके आगे चलानी है। स्टेटमेंट 3, 4 के बाद ये ब्लॉक बंद हुआ, हमने ये एक बंद कर दिया, ये ब्लॉक बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, अभी आप ब्रैकेट देख लीजिए, ये वाली इसके साथ है, इसके साथ एंड हुई है, और ये इसके साथ है, ये अंडरला इफ फर्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एल्स का करेंगे, जो ये वाली इफ थी उसका करना है। एल्स स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6, ये हमने एल्स का ब्लॉक बंद कर दिया। ये वाली इफ का ये ब्लॉक बंद हुआ, इसका ये ब्लॉक बंद हुआ, ये एल्स का ब्लॉक यहाँ बंद हो गया। अब हमने जो इफ के अंदर ये जो इफ एल्स लगाई है, आप ऐसे ही सेम टू सेम एल्स के अंदर लगा सकते हैं, फिर इफ के अंदर नहीं लगेगी। तो ये हमारी होगी नेस्टिंग, हमने इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगा दी, एल्स के अंदर एक इफ एल्स लगा दी, तो वो हमारी होती है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब इसका हम कैसे ले सकते हैं कि कोई तीन नंबर हमने एंटर करवा दिए ए बी सी, उसमें हमें चेक करना है, पहले हमने कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन बी, दूसरे में बी ए ग्रेटर देन सी, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। इस तरह से लगाई ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, वैल्यूज इनपुट करवाएंगे तो जौन सा हमारा बिगर नंबर होगा उसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम उसके तीन प्रोग्राम हो गए अब तक आपके पेंडिंग। नेक्स्ट हमारी आती है स्विच स्टेटमेंट, जब हमारे पास कुछ ज्यादा डाटा हो लेकिन हम लोग ये इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो उस टाइम पे यूज ना कर पाए, तब हमारी आती है स्विच, स्विच यूज करनी है हमने। ठीक है, जब मल्टीपल वेज ऑफ ब्रांचिंग चाहिए हमें, तो उस टाइम पे हम सेवरल ऑप्शन देने के बजाय हम क्या करते हैं कि उसको इफ एल्स वगैरह दे रहे हैं सी लैंग्वेज में, स्विच स्टेटमेंट, स्विच के स्टेटमेंट से हम लोग मल्टीपल जो है हमारा वो कर सकते हैं, मल्टीपल जो हमारे स्टेटमेंट है उनको करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है स्विच स्टेटमेंट का, स्विच एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमने ब्लॉक स्टार्ट करके केस कॉन्स्टेंट 1, अब जो इसमें होता है आप इस वाली में नोट करोगे कि जो आप है वो क्या लगाओगे इसमें, ब्रेक लगाओगे। ठीक है, उसके बाद ब्रेक में ब्रेक लगाओगे। नेक्स्ट आपने बनाया केस कॉन्स्टेंट 2, स्टेटमेंट जितनी मर्जी आप मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें लगा सकते हो स्विच में, केस कॉन्स्टेंट एन, स्टेटमेंट ब्लॉक एन ब्रेक। अब ये स्टार्ट किया था ना, इस ब्रेक के बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, इसमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक आ गया। ये हमारा ब्लॉक हो गया बंद। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, इसमें कैसे लिया, ये कैसे काम करता है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हमने, ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन लिखा, ब्लॉक बना दिया, तो ये हमारा चलता गया, लेकिन जब वो आउटपुट देगा आपकी उसने आउटपुट में देखा कि जो आपने वैल्यू एंटर करवाई है वो आपकी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है उसमें नहीं है, तो आप अगर वो नहीं होगा तो वो आपका ब्लॉक जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा स्विच स्टेटमेंट में। इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, हमें डेज ऑफ द वीक प्रिंट करवाने हैं, डेज ऑफ द वीक करवाना है तो उसमें हमारा चलेगा डेज ऑफ द वीक में। अब इसकी स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू सिर्फ किसी ना किसी एक स्टेटमेंट से मैच होनी चाहिए, इस मैच्ड जो है एक जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना वो वन बाय वन हर कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट से मैच की जाती है सबसे पहले।
जब मैच फाउल हो जाता है, जब उसका मैच मिल जाता है, तो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक आ जाती है, अब इसने मान लो जो यहाँ पे वैल्यू थी वो पहले काउंटर के साथ ही मतलब मैच होगी, तो उसमें ब्रेक है, अब ब्रेक आ गया, ब्रेक आने का जो कंट्रोल होगा वो ब्लॉक के बाहर जंप कर देगा, ये वैल्यू इसके साथ मैच करी, ये एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक दिख गई, जब ब्रेक दिखेगी तो बाहर ब्लॉक के बाहर जंप कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर कोई मैच फाउंड नहीं होगा तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होएगी, उसके बाद कीवर्ड जो ब्रेक है वो रिमूव होता है एवरी केस के बाद। तो ये हमारे हैं, हम लोग करेंगे तो इस तरह से हमारी स्विच स्टेटमेंट है। हमारे आज जो ब्रांचिंग है वो ख़त्म हो गई है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो रह गई है। तो नेक्स्ट हम जब करेंगे प्रोग्राम्स करेंगे इनके चारों, और उसके बाद हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे। और कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।